गिराने के लिए साजिश नहीं की गई। उद्धव ने कहा, महाराष्ट्र सरकार में रहे गठबंधन में होने के बावजूद हमारे पास उतनी ताकत नहीं थी, पर हमने कभी भी सरकार को धोखा नहीं दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से भाजपा 150 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन भागवत का कहना, लिंचिंग शब्द बाहर से आया है, स्वयंसेवकों का ऐसी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। नागपुर विजयादशमी के मौके पर मंगलवार को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की, स्वयंसेवकों के पद संचालन किया। इस दौरान भागवत ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने साबित किया है कि वह कठोर निर्णय के लिए प्रतिबंध है। लिंचिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह शब्द पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ आया और हम पर थोपा जा रहा है। इसे लेकर भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर HCL के संस्थापक शिव नाडार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। फ्रांस ने भारत को पहला रॉकेट सौंपा। राजनाथ फाइटर जेट में लगे हथियारों की पूजा की। मंगलवार को अमेरिकन एयरबेस पर भारत को पहला राफेल जेट सौंपा है। हैडिंग ओवर सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फोरोरेस पार्ले और देशों एविएशन के CEO एरिक ट्रेपिये मौजूद थे। भारत को मिलने वाले पहले राफेल का नाम वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भेदारिया के नाम पर RB-001 रखा जाएगा। सेरेमनी में राजनाथ ने कहा कि फेल का अर्थ आंधी होता है, मुझे उम्मीद है कि यह अपने नाम को साबित करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।